हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। त्योहारों के मद्देनजर फूड सेफ्टी विभाग की ओर से शहर के अनेक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की जा रही है और सैंपल भी भरे जा रहे हैं। विभाग की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। फूड सेफ्टी विभाग के डॉक्टर सुरेंद्र पुनिया ने बताया कि आज फूड सेफ्टी विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रामगंगा मिठाई की दुकान पर छापेमारी की। उन्होंने बताया कि सीएम फ्लाइंग को लगातार शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों के आधार पर ही छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान रसगुल्ले, पनीर, गुलाब जामुन और खोए के सैंपल लिए गए हैं। इन सैंपलों को जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। डॉक्टर सुरेंद्र पुनिया ने कहा कि अब की बार त्योहारों पर किसी को भी लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। जो भी ऐसा करने की कोशिश करेगा उनको बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक उन्होंने 4 क्विंटल चाशनी को डिस्ट्रॉय किया है। प्रतिया से हमारे संवाददाता रवि गोयल की रिपोर्ट। जी, आज जो सैंपल लिए गए हैं तो क्या कुछ पाया गया है और क्या निर्देश दिए गए हैं? सर, मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, ये सैंपल नहीं है, ये दिवाली फेस्टिवल के ऊपर एक रेड है, जो कि साफ सफाई के ऊपर रेड है, गंदगी के ऊपर रेड है। इसमें सीएम फ्लाइंग की टीम है और मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य एवं औषधि विभाग, ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि दिवाली हंसी खुशी मने उसके लिए ये पहल है। कहीं से हमें सीएम फ्लाइंग के पास, हमारे पास ऊपर से आदेश आए कि भाई यहाँ पर कोई शिकायत हो रही है, यहाँ पर बार बार शिकायत आ रही है, यहाँ पर मिलावट हो रही है, तो मिलावट के तौर पर हम जो उसके सैंपल ले लिए हैं उसको लैब में भेजा जाएगा। उसकी रिपोर्ट आने पर उसके बारे में आगे कार्रवाई होगी। इन्होंने स्टेट लाइसेंस लिया हुआ है तो इनका फर्ज बनता है कि जब कोई रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमें देखना है। तो हमने पाया है कि इनके पास चाशनी है लगभग 4 क्विंटल के करीब, दो क्विंटल एक उसमें है और 3-4 और कंटेनर में अलग चाशनी है, जो इन्होंने खुद ने माना है, इन्होंने अंडरटेकिंग दी है कि ये हम डिस्ट्रॉय करने के लिए रखी हुई थी, तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ताकि इसको यूज़ ना किया जा सके और साफ चाशनी जो है वो तैयार की जा रही है, उसी के आगे मिठाइयाँ तैयार हो। त्योहारों का सीजन है, जैसे कि आप कह रहे हो दिवाली है, लगातार हमें शिकायतें मिलती रहती है कि मिलावट की मिठाइयाँ तैयार होती है, क्या आगामी जहाँ जहाँ शिकायत मिलेगी वहाँ वहाँ हम कार्रवाई करेंगे, हम ज्वाइंट कार्रवाई करेंगे। जहाँ से भी हमें शिकायत आएगी, अगर आपके पास भी कोई शिकायत आती है आप वेलकम है, हमारे गुप्तचर विभाग को दीजिए, सरकार को दीजिए, हमें दीजिए, कार्रवाई होएगी। कोई भी मिलावट करके मिठाई बेच पाएगा ऐसा पॉसिबल इस बार नहीं होने वाला है, चाहे जो जैसा मर्जी, जितना मर्जी महत्वपूर्ण व्यक्ति के ताल्लुक रखता हो, जहाँ पर मिलावट का नाम आ गया वहाँ पर नाश होना ही है। यानी कि लोगों के स्वास्थ्य से अब की बार खिलवाड़ नहीं होगा? खिलवाड़ नहीं होगा। डिपार्टमेंट का संपल का, खाद्य सुरक्षा विभाग का और सीएम साहब का संपल, सरकार का संपल। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।